बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज देश में, प्रदेश में जातिवार जनगणना को लेकर के आंदोलित है और बहुत दिन हो गए। एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि इस देश के 1% लोगों के पास, इस देश के 40.5% संसाधन हैं और तकरीबन 50% आबादी 3% संसाधनों से गुजारा कर रही है। एक इतनी असमानता की खाई पैदा हो रही है कि देश की एक बहुसंख्यक आबादी जो पिछड़े वर्ग से है, जो पिछड़े वर्ग से है और खासकर भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ा वर्ग का हितैषी होने का दावा करती है, और आपने तो यहां तक लगा दिया, चौराहे चौराहे पे पोस्टर लगा दिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इतने ओबीसी वर्ग के लोग मंत्री हैं, इसमें इतने प्रदेश में है। उसमें तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या आप जातिवार जनगणना कराने पर विचार कर रहे हैं, और जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक वो जो खाई है वो पटने वाली नहीं है, क्योंकि आप बजट बनाते वक्त इस बात की पूरी तौर पर ध्यान दिया जाता है कि अमुक मद में हमें इतना बजट देना है। जब आपके पास पिछड़े वर्ग की कोई डाटा ही नहीं है तो आप उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बना पाएंगे? और तो मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि हमारा पड़ोसी राज्य बिहार अपने संसाधनों पर जातिवार जनगणना कराने का काम कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो लगातार खुद प्रधानमंत्री जी अपनी सभाओं में कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मैंने आदिवासी देश का राष्ट्रपति बना दिया, मैंने दलित समाज बना, तो क्या हाईकोर्ट में हमारी क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति है, केंद्रीय सचिवालय आपके सचिवालय में क्या स्थिति है, या जो प्रमुख सचिव और पद है वहां पे हमारी क्या स्थिति है, हमारी नियुक्तियों में क्या आउटसोर्सिंग ला करके आपने पिछड़े वर्ग के लोगों को तबाह कर दिया, दलित को तबाह कर दिया। तो मेरा आपसे स्पष्ट प्रश्न है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र डबल इंजन की सरकार, क्या केंद्र की सरकार का यहाँ नहीं उत्तर मिलेगा, प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार यहाँ नहीं है, क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करा करके क्या पिछड़े और दलित आदिवासी वर्ग को न्याय देने का काम करेगी? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, जनगणना का काम ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार ये भारत सरकार का है, और संघ सूची के क्रमांक 69 पर इस बात का उल्लेख है कि जनगणना भारत सरकार कराएगी। भारत सरकार ने जनगणना का एक मिनट उत्तर आने अधिनियम भी बना करके रखा है और उसकी नियमावली भी बना करके रखी है। तदनुसार यह भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। उत्तर प्रदेश अब बहुत आगे निकल चुका है, हम उत्तर प्रदेश को रिवर्स बिहार की तरफ नहीं पहुंचाना चाहते। बिहार में जिस तरीके का अराजकता है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, नौकरियों के भीतर परिवारवाद है, और यहां तक कि चारा खाने का काम जहां पर होता रहा है उस तरफ उत्तर प्रदेश अब नहीं जाना चाहता है। उत्तर प्रदेश अपने तरीके से अपने राज्य को उत्तम प्रदेश बनाना चाहता है, और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर उत्तर प्रदेश को हम देश का सर्वोत्तम राज्य बनाना चाहते हैं, और इसलिए जो राज्य पिछड़ेपन के शिकार हैं, जो संकीर्णता के शिकार हैं, उस तरफ हम उत्तर प्रदेश को नहीं ले जाना चाहते। प्रश्न संख्या 6, श्री मनोज पांडे, मनोज कुमार पांडे, नहीं दे आपको मालूम है, मैं अनुमति नहीं दूंगा। श्री मनोज पांडे, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न नहीं, आप अनुमति नहीं है, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, ये विषय आप अपना प्रश्न लगा दे तो बात अलग है, उसके ऊपर प्रश्न आ गया, उसका उत्तर आ गया, उसे प्रदेश सरकार के पास उसका उत्तर आ गया, आप संतुष्ट है कि नहीं है, ये इशू हो सकता है, नहीं मैं आपको अनुमति नहीं। प्रश्न संख्या 6, मनोज पांडे,
पांडे जी आप पूछना चाहते हैं? श्री मनोज पांडे आप पूछना चाहते हैं? मनोज पांडे जी आप पूछना चाहते हैं? आपका प्रश्न क्या चाहिए? मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आ गया, उत्तर आ गया, देखिए उत्तर आ गया उसमें। जब उन्होंने, जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि ये विषय, देखिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं जो कृषि विभाग से संबंधित हैं। श्री मनोज कुमार पांडे ने किसान के जो सम्मान निधि है जो सब किसानों को मिल रही है उसमें आप पात्रता के बारे में पूछा है। श्री महबूब अली जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा है। श्री अतुल प्रधान ने कृषि के बारे में पूछे, बहुत महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। यदि आप लोग समझते हो कि आगे वाले प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है तो आप ये जो कर रहे हो आपकी वो ये नहीं करना चाहिए। अगर महत्वपूर्ण है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर जाइए। सब कुछ देखिए, राजनीति का एजेंडा यहां पर नहीं चलेगा। विधानसभा से संबंधित जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिलेगा। आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है ये आपका विषय है। मंत्री जी का जो जवाब आया वो पूरी तरीके से उपयुक्त है, उसमें कुछ आना बाकी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाइए।